Hamza bagini viladarini Hamza bagini viladarini Himana ganandini jagata kalyani Himana ganandini jagata kalyani జగత జనని మాతా సరస్వతి శారదా మాతా సరస్వతి శారదా శారదా సరస్వతి శారదా శారదా సరస్వతి శారదా Sharada 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 Mata Saraswati Sharada. Good morning my dear brothers and sisters. Aaj hum log dekhenge detection ya demodulation of double sideband full carrier system सिंक्रोनस डिटेक्टर के द्वारा. ठीक है कि अब अभी तक हम लोगों ने देखा किससे करा, स्क्वायर लॉ डिमोडुलेटर, स्विचिंग डिमोडुलेटर. स्विचिंग डिमोडुलेटर को हम लोग इनुला डिटेक्टर भी बोलते हैं, पीक डिटेक्टर भी बोलते हैं, सेकंड डिटेक्टर भी बोलते हैं और असिंक्रोनस डिटेक्टर भी बोलते हैं. आज हम लोग देखेंगे सिंक्रोनस डिटेक्टर के द्वारा डबल साइडबैंड फुल कैरियर सिस्टम को कैसे डिमोडुलेट करते हैं. सिंक्रोनस डिटेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट डिटेक्टर है. ये जो है आपका डबल साइडबैंड फुल कैरियर के साथ साथ आपके डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर और सिंगल साइडबैंड में भी यूज कर सकते हैं इसको, सिंक्रोनस डिटेक्टर को. कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं. ठीक है, सिंक्रोनस डिटेक्टर में क्या करते हैं हम लोग, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आ रही है आपकी. ठीक है, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आ रही है, ये आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आ रही है. ठीक, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसके, एक लोकल ऑसिलेटर, लोकल एक हम लोग ऑसिलेटर रखते हैं अपने रिसीवर पे. वो क्या सिग्नल को प्रोड्यूस करता है, वो वही सिग्नल को प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है जो हमारा कैरियर होता. जैसे जब हमने आपका ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बनाई होगी, है ना, ये जो वेव बनाई होगी एसी वन प्लस के एम टी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी, ये जब वेव हम लोगों ने बनाई होगी तो इसमें कोई कैरियर यूज करा होगा ना, ये सी टी इक्वल टू ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी, यही तो कैरियर यूज करके हम लोग ये वाली वेव बनाते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. इसमें कैरियर होता था हमारा ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी. तो जो हम लोग लोकल ऑसिलेटर लेंगे वो यही कैरियर आपका रिसीवर पे जनरेट करने की कोशिश करेगा. अब हम ये नहीं कह रहे कि वो कर पाता है कि नहीं कर पाता, कभी कभी फ्रीक्वेंसी में ही कभी कभी आपका क्या होता है कि वो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं प्रोड्यूस कर पाता है या एग्जैक्ट फेस वो नहीं ला पाता है, जो हमारा कैरियर फेस सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता जो कैरियर वेव का होना चाहिए. कैरियर वेव जो इसमें है उससे फेस सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता जो लोकल ऑसिलेटर, तो उसके कारण कई सारी प्रॉब्लम आती है, तो वो सब हम लोग देखेंगे अभी. ठीक है, तो मेन बात ये है कि इसमें अब हमारा क्या होता है कि आपका जो कैरियर वेव, ये जो लोकल ऑसिलेटर है वही सेम हमारा कैरियर वेव को जनरेट करने की कोशिश करेगा जैसा हम लोगों ने ट्रांसमीटर पे यूज करी होगी. जो मॉड्यूलेट करते समय जो हम लोगों ने कैरियर वेव को जो यूज करा होगा वही सेम कैरियर वेव को जनरेट करने की कोशिश करेगा. ठीक है, रिसीवर तो लोकल ऑसिलेटर का जो आउटपुट है, हम लोगों ने जैसे मान लो कि एसी कॉस टू पाई एफ सी टी जनरेट कर ले रहा है. ठीक है, हम लोग ये मान के अभी चल रहे हैं कि जब जनरेट कर ले रहा है तो क्या होगा. चलो लोकल ऑसिलेटर का कुछ भी आउटपुट हो वो उस तरीके की कैरियर वेव जनरेट कर पा रहा हो या ना कर पा रहा हो, तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आती है उसको हम लोग लोकल ऑसिलेटर के
आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे ये प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है, इसकी जगह पे हम प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों वेव को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके पास एक लो पास फिल्टर से पास करते हैं, जिसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डब्लू डब्लू या एमटी, जो मैसा सिग्नल जो था ना हमारा रिसीवर पे, ये जो एमटी, ये जो मैसा सिग्नल था, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ये लो पास फिल्टर की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी डब्लू, या डब्ल्यू से डिनोट करो चाहे एफ एम से डिनोट करो, जिससे आपका मन हो उससे डिनोट करो, है ना, है ना। तो डब्ल्यू और एफ एम जो इससे मतलब जो एम टी की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, एम टी की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी उस पर डिपेंड करेगा, वही होगी इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वही होगी। ठीक है, एफ कट ऑफ लिख लो, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्योंकि एफ सी से आप कैरियर फ्रीक्वेंसी भी समझ सकते हो, ये एफ सी इसको। तो इसकी जो लो पास फिल्टर की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, एफ कट ऑफ, वो हमारी डब्ल्यू के बराबर होगी। ये डब्ल्यू से, अगर एम टी की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हमने डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं तो डब्ल्यू, और एम टी की अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को एफ एम से डिनोट कर रहे हैं तो एफ एम। किसी बुक में डब्ल्यू से लिखा होता है, किसी बुक में एफ एम से लिखा होता है, तो हमें दोनों वो डब्ल्यू और एफ एम एक ही चीज है, मतलब, है ना। मतलब कुल मिला के इसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो एम टी की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। नेक्स्ट चीज ये है भाई, इसमें नेक्स्ट चीज ये है कि हमारा फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन तो आसानी से हम लोग बना लेते हैं, लेकिन फेज सिंक्रोनाइजेशन करना थोड़ा कठिन होता है। फेज सिंक्रोनाइजेशन के लिए कोस्टास लूप को यूज करते हैं, वो भी हम लोग कोस्टास लूप भी अभी आने वाले लेक्चरों में देखेंगे, उसको डिटेल में देखना पड़ेगा। बस अभी आप नोट कर लीजिए कि फेज सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम लोग कोस्टास लूप का यूज करेंगे, करते हैं। तो चलो ठीक है, अब हम लोग करते हैं जो काम है। देखो, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव यहां पे आ रही होगी, लोकल ऑसिलेटर आपका क्या होगा कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हमारी यहाँ पे जो आ रही होगी वो ये होगी, एसी वन प्लस के एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी, ये आ रही होगी हमारी। तो चलो इसी को ही हम लोग थोड़ा एसी और कॉस टू पाई एफ सी टी को अंदर ले जाते हैं, तो ये हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आ रही होगी। ठीक है, फिर हम लोग पहला केस करते हैं कि जो लोकल ऑसिलेटर है वो परफेक्टली वैसी ही वेव बना ले रहा है जैसी कैरियर की हम लोगों ने यूज करी थी, यानी कि लोकल ऑसिलेटर का आउटपुट वही है जो सीटी हम लोगों ने कैरियर पे यूज करा था, मतलब कि एसी कॉस टू पाई एफ सी टी, यही तो हम लोगों ने उस समय यूज करा था। हम अभी हम लोग परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग ये मान ले रहे हैं कि जो रिसीवर पे जो हम लोगों ने ऑसिलेटर यूज करा है वो परफेक्टली वैसे ही वेव बना ले रहा है जैसे हमने ट्रांसमीटर पे कैरियर के लिए यूज करी थी, यानी कि कैरियर के लिए अगर हमने एसी कॉस टू पाई एफ सी टी यूज करी थी ट्रांसमिट करते समय, मॉड्यूलेट करते समय, तो आपका जो लोकल ऑसिलेटर जो रिसीवर पे है वो भी एसी कॉस टू पाई एफ सी टी बना ले रहा है। ठीक है, तो चलो इसका आउटपुट तो हमारा पता चल गया कि इसका आउटपुट है हमारा एसी कॉस टू पाई एफ सी टी, फिर ये मल्टीप्लायर से जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये वाला सिग्नल था हमारा एसी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस एसी के एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी, इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या एसी कॉस टू पाई एफ सी टी, तो क्या हो जाएगा एसी स्क्वायर कॉस टू पाई कॉस स्क्वायर टू पाई एफ सी टी, फिर यहाँ पे भी ए सी स्क्वायर के एम टी कॉस स्क्वायर टू पाई एफ सी टी, है ना। और अभी जो है ना ये स्क्वायर स्क्वायर वाले टर्म हमें अच्छे नहीं लगते, इसको जरा आप क्या कर लो, कॉस स्क्वायर ए को वन प्लस कॉस टू ए अपॉन टू, इस वाले टर्म में कर लो, इस तरीके के टर्म में कर लिया, तो वही हम लोगों ने कॉस स्क्वायर टू पाई एफ सी टी को इस तरीके से चेंज कर दिया, और यहां भी कॉस स्क्वायर टू पाई एफ सी टी को इस तरीके से चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या हो गया वन प्लस कॉस फोर पाई एफ सी टी, यहां भी इसकी जगह पे वन प्लस कॉस फोर पाई एफ सी टी हो गया, अपॉन में टू तो आ गया। ठीक है, तो फिर इसको एक्सपेंड करा। ठीक है, तो यहां पे एक टर्म आया ए सी स्क्वायर अपॉन टू, और एक टर्म आया ए सी स्क्वायर बाई टू कॉस 4 पाई एफ सी टी, एक टर्म आया ए सी स्क्वायर अपॉन टू के ए एम टी प्लस ए सी स्क्वायर के ए एम टी कॉस 4 पाई एफ सी टी अपॉन टू, ये चार टर्म आर हमें दिख रहा है। ठीक है, तो अब एक काम ये है भाई कि ए सी स्क्वायर, इसमें जो हम लोग अब क्या करेंगे, इस टर्म को
पहले ब्लॉकिंग कैपेसिटर से पास करेंगे तो हमारा ये डीसी वाला टर्म जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, ये वाला टर्म ब्लॉक हो गया। फिर नेक्स्ट काम हम इसको क्या करेंगे, लो पास फिल्टर से पास करेंगे। लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो भाई क्या होगा, है ना, लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो उसमें केवल देखो इससे जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, मैक्स एमटी की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर है, एमटी की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मान लो डब्ल्यू या एफएम, इस ये लो पास फिल्टर की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो इतनी है, ठीक है। इस वाले टर्म की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2fc। तो ये वाला टर्म देखो fc जो होगा इस ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना। तो जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारी मैसेज की फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा होती है ना, तो fm या मतलब कुछ भी लिख लो fm या w, मतलब जो एमटी की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उससे कैरियर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो 2fc बहुत ज्यादा होगी। तो ये वाला टर्म बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का, ये हमारा लो पास फिल्टर जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डब्ल्यू या एफएम है उससे पास नहीं होगा ये वाला टर्म, तो ये टर्म हमारा पास नहीं होगा। ये देखो एसी स्क्वायर के एएमटी इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, डब्ल्यू डब्ल्यू या एफएम जो भी बोलते हो, है ना, तो इसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वही है जो एमटी की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो एसी स्क्वायर के एएमटी बाई टू ये वाला हमारा लो पास फिल्टर से पास हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एसी स्क्वायर के एएमटी कॉस 4πfct, तो इसकी जो इस वाले टर्म की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 2fc प्लस डब्ल्यू, 2fc माइनस डब्ल्यू, ठीक। तो ये भी हमारा 2fc के आसपास की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि fc की वैल्यू बहुत बड़ी होती है डब्ल्यू से, तो प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 2fc के आसपास की फ्रीक्वेंसी है ये भी, तो ये वाला टर्म भी हमारा पास नहीं होगा। केवल एक टर्म पास होगा वो क्या है, एसी स्क्वायर के एम टी बाई टू, आउटपुट भी ये आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, अभी ये हमारा एम टी के प्रपोर्शनल में हमें मिल गया आउटपुट, इसका लो पास फिल्टर का आउटपुट हमें मिल गया जो एम टी के प्रपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल है, जो हमने मैसेज सिग्नल जो भेजा था उसको उसके डायरेक्टली प्रपोर्शनल हमें आउटपुट मिल गया। अब इसमें बस खाली कुछ एक गेन का प्रॉब्लम आ रही है, ये सब चीजें तो कॉन्स्टेंट होंगी, ए सी भी कॉन्स्टेंट है, के ए भी कॉन्स्टेंट है और टू तो कॉन्स्टेंट है ये, तो ए सी स्क्वायर के बाई टू को हटाने के लिए क्या कर दो, इसको एक एम्पलीफायर से पास कर दो जिसका गेन क्या हो, 2 अपॉन AC स्क्वायर के, इस तरीके इस कैसा कोई एम्पलीफायर बना लो जिसका गेन इतना हो, और तो हमें वापस सीधे मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। या सिंपली आप ये भी कह सकते हो कि यही आउटपुट है, मान लो यही हमारा आउटपुट, हमें एम्प्टी सिग्नल मिल गया, बस उसमें थोड़ा सा गेन आ गया है ना, वो गेन तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों ने साइन ओमेगा टी भेजा था तो यहाँ पे हमें 2 sin ओमेगा t मिल गया, तो हमें लेकिन वो हटाने के लिए मतलब कि इसको क्या कर देते हैं, ये 1/2 से पास कर देते हैं, एक एम्पलीफायर बनाते हैं जिसका गेन 1/2 हो, तो उसको पास कर दो तो हमें वापस साइन ओमेगा टी मिल जाएगा। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे इस वाले को एक एम्पलीफायर से पास करा जिसका गेन 2 upon AC square के रख दो तो हमें वापस एम टी मिल जाएगा, या सिंपली आप समझ लो कि यही हमारा एमटी, वो हमें एमटी रिकवर हो गया क्योंकि डायरेक्टली प्रपोजनल हमें मिल गया आउटपुट, आउटपुट हमें किसके डायरेक्टली प्रपोजनल मिल गया, एमटी के, तो समझ लो हमारा एमटी रिकवर हो गया है ना, उसको ये इतना और गेन को इतना वो नहीं देखते, वो तो बराबर वो गेन ही है, ठीक है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो, ये तो था केस हमारा जब परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है। नेक्स्ट केस है जब हमारा परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, मान लो कोई कुछ फेस है जो लोकल ऑसिलेटर है वो वैसा नहीं बना पा रहा है जैसा हमने कैरियर में हम लोगों ने यूज करा, एसी कॉस 2πfct हम लोगों ने यूज करा था, लेकिन जो लोकल ऑसिलेटर जो रिसीवर पे है वो क्या बना रहा है, एसी कॉस 2πfct प्लस सम फेस, मतलब फाई प्लस कोई फाई का फेस हम लोगों ने इसमें आ गया है, ठीक है। हम उसको पता नहीं कि कैसा कैसा हम लोग जो रिसीवर में जो ऑसिलेटर है उसको पता नहीं कि हम लोग किस फेस से वहां पर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसको बनाने की कोशिश तो उसने करी लेकिन वो कुछ फेस आ गया, कुछ फेस का डिफरेंस है जो वहां के कैरियर, तो भाई देखो क्या होगा, जो मल्टीप्लायर का आउटपुट होगा उस, अब देखो इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, एएमटी है ना, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे लोकल ऑसिलेटर के आउटपुट, लोकल ऑसिलेटर का आउटपुट क्या है, एसी कॉस 2πfct प्लस फाई,
ये है अब हमारा, और इसका इसका ये तो हमें पता ही है कि ये होता है, ठीक है। इसका एस ए एम टी तो हमें पता ही है कि ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी के एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ये होता है। तो इन दोनों टर्म को आप मल्टीप्लाई करिए तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा जिसको हम लोग वी टी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो या मल्टीप्लायर का आउटपुट आप सीधे वी टी से लिखो, या मल्टीप्लायर का आउटपुट लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। मल्टीप्लायर का आउटपुट क्या होगा कि एस ए एम टी और ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस पाई, एस ए एम टी की वैल्यू पुट करी, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस पाई यहाँ पे हुआ, इसको अंदर ले गए तो ये टर्म बने, ये टर्म बने। इन टर्म को मैं देखो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी वाला केस हो रहा है ना, यहाँ भी कॉस ए कॉस बी वाला टर्म हो केस हो रहा है। तो कॉस ए कॉस बी वाले टर्म में क्या करते हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 कर देते हैं, है ना। तो वही हम लोगों ने करेंगे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इसको पूरे का हाफ कर देते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से करते हैं कॉस ए कॉस बी में। तो वही हम लोग यहाँ भी करेंगे, तो इसको 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 पहले ऐड कर लिया 4 पाई एफ सी टी प्लस पाई, फिर इसमें फिर इसको माइनस कर दिया तो कॉस 5 बचा, फिर इसको इसको ऐड करा वो भी बना कॉस 4 पाई एफ सी टी प्लस पाई, और इसमें से इसको माइनस करा तो कॉस 5 हो गया, अपॉन में 2 आ गया सब में। फिर सबको एक्सपेंड कर लिया, ये सबको एक्सपेंड कर लिया, तो एक्सपेंड करके ये टर्म बने। अब ये जो ए सी स्क्वायर बाई 2 cos φ है, ये फिर से डी सी टर्म है, इसको फिर से हम ब्लॉकिंग कैपेसिटर से ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद हम लोग इस सबको लो पास फिल्टर से पास करेंगे, लो पास फिल्टर से पास करेंगे भाई। तो देखो ये वाला टर्म जो है वो 2fc के आसपास का है ना, ये टर्म 2fc, ये वाला टर्म 2fc प्लस माइनस w या fm जिससे भी आप लिखते हो, तो ये mt और cos 4πfct है ना। तो इस वाले टर्म, ये वाला टर्म 2fc प्लस माइनस w के आसपास का है, ये टर्म भी पास नहीं होगा, ये टर्म भी पास नहीं होगा, ये वाला टर्म पास हो जाएगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी किसकी है, डब्लू, है ना, डब्लू के आसपास की है। तो लो पास फिल्टर का आउटपुट क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर के ए एम टी कॉस फाइव अपॉन 2, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी डब्लू, डब्लू का मतलब वही मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, या FM से डिनोट कर लो, ये डब्लू वही है मैसेज सिग्नल की MT मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और लो पास फिल्टर का जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो भी हम लोगों ने यही मानी है, जो लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो भी हम लोगों ने यही मानी है डब्लू, ठीक है। तो लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू डब्लू इक्वल टू FM इक्वल टू MT मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। डब्लू किसी किसी बुक में डब्लू लिखा होता, किसी बुक में FM लिखा होता, तो हमने दोनों से लिख दिया, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर बाई 2 kA MT cos φ अपॉन 2 हो गया, ये हमारा आउटपुट में आ गया, इससे ये हमारा आउटपुट आ गया। फिर अब देखो भाई ये आउटपुट आ रहा है ना, अगर मान लो फाई कांस्टेंट है, अब हम इसमें दो केस कर रहे हैं कि एक चलो फाई जो फेस है वो जो लोकल ऑसिलेटर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो फेस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है लेकिन फाई की वैल्यू 90 डिग्री नहीं है, फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट है लेकिन फाई की वैल्यू 90 डिग्री नहीं है, तो क्या होगा। जैसे कि मान लो फाई की वैल्यू 60 डिग्री है, ठीक है, अगर हमने मान ली फाई की वैल्यू 60 डिग्री, तो लो पास फिल्टर का आउटपुट क्या आ गया, ए सी स्क्वायर के एम टी कॉस 60 अपॉन 2, यानी कि कॉस 60 का मतलब 1 अपॉन 2, ये क्या आ गया, ए सी स्क्वायर के एम टी अपॉन 4 आ गया, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब ये वैल्यू आ गई भाई, तो अब देखो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टी ही है एक तरीके से। इसको अगर हम एक एम्पलीफायर हम बनाए, एक एम्पलीफायर हम बनाए जिसका जिसका गेन 4 अपॉन ए सी स्क्वायर के ए रख दे, ठीक है, तो हमें वापस एम टी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आउटपुट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मिल जाता है हमें एम टी का। ये तो था कि फाई की वैल्यू जब कॉन्स्टेंट रहती है, लेकिन एक्चुअल में फाई की वैल्यू वेरी करती रहती है, जो मतलब कि ऐसा नहीं होता कि कांस्टेंट रहती है। तो अलग अलग कॉस फाई की वैल्यू होगी, तो हमें अलग जो लो पास फिल्टर का आउटपुट है वो एक्चुअल में तो ये है ना, ए सी स्क्वायर के ए कॉस फाई अपॉन 2। तो हमें एम्पलीफायर बनाना पड़ेगा, उसका गेन क्या रखना पड़ता है, जो एम्पलीफायर बनाना पड़ेगा उसका गेन हमें रखना पड़ेगा 2 अपॉन
एसी स्क्वायर के कॉस फाई, ये रखना पड़ता है। और जब फाई की वैल्यू 60 डिग्री थी तो कॉस, तो वो 1/2 यानी 4/ एसी स्क्वायर के रख दिया था। तो अब क्या होगा कि जैसे फाई की वैल्यू बराबर चेंज हो रही है, कभी 60 डिग्री हो रही है, कभी 45 डिग्री हो रही है, कभी 30 डिग्री हो रही है, कभी 31 डिग्री हो रही है, कभी 32 हो रही है, तो हमें एक ऐसा एम्पलीफायर बनाना पड़ेगा जिसका गेन बराबर चेंज होता रहे, तभी हमें एम टी मिलेगा ना। सोचो ना, इसमें क्या था कि फाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट थी, कांस्टेंट थी लेकिन 90 डिग्री नहीं थी। लेकिन 90 डिग्री वाला केस अलग ही है, वो अभी हम अलग दिखाएंगे। ठीक है, फाई की वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन 90 डिग्री नहीं है। ठीक, तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं एक एम्पलीफायर जिसका कि तो कांस्टेंट है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि लो पास फिल्टर का आउटपुट कॉस फाई की जगह पे हम लोगों ने 60 डिग्री पुट करा, तो ये हमारा आ गया एसी स्क्वायर के बाई 4। तो हम लोगों ने सीधे 4/ एसी स्क्वायर के का गेन वाला एम्पलीफायर बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लो फाई की वैल्यू बराबर चेंज होती रह रही है, बराबर चेंज होती जा रही है, ठीक है, फाई की वैल्यू बराबर चेंज होती जा रही है, तो हमें एम्पलीफायर बनाना पड़ेगा। देखो, अगर हम ये तो 4/ एसी के स्क्वायर वाला टर्म तब था जब हमारा 60 डिग्री था। अब अगर जनरल जनरल तरीके से लिखे कि अगर फाई फाई है अगर फेस, तो हमें एम्पलीफायर के गेन कितना रखना पड़ेगा, 2/ एसी स्क्वायर के कॉस फाई, ये रखना पड़ेगा। और वो तो ये केस था ना कि जब ये 60 डिग्री था तो यहाँ पे कॉस 60, तो वो अपने आप ही 4/ एसी स्क्वायर के आ जाएगा जब यहाँ पे फाई की जगह पे 60 डिग्री रखेंगे। तो जनरल तरीका तो यही है ना, 2/ एसी स्क्वायर के कॉस फाई का हमें गेन रखने वाला रखना पड़ेगा। अब इसमें फाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है, तो हमें गेन भी इसका बराबर वेरी करना करवाना पड़ेगा। तो ऐसा एम्पलीफायर जिसका गेन बराबर फेस के साथ वेरी कर रहा हो, ये बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, है ना। जिसका तो इस तरीके के केसेस में हमारा ये जो है हमारा सिंक्रोनस डिटेक्टर यूज नहीं कर सकता है। कर सकते हैं कि हमें पहले लोकल ऑसिलेटर का जो आउटपुट है वो उसमें या तो कांस्टेंट फेस रखना पड़ेगा, अगर कांस्टेंट फेस है तभी हम लोग इसको ये वाला सिंक्रोनस डिटेक्टर को यूज कर सकते हैं, वरना हमें आउटपुट में हमें एम्प्टी रिकवर करना थोड़ा ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, एक तरीके से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं यहाँ पे लिखी कि जब देखो जब फाई की वैल्यू कांस्टेंट नहीं थी तो फाई जो होगा वेरी कॉन्टिन्यूसली, अगर टाइम वेरी कर रहा है तो अगर तो लो पास फिल्टर का जो भी कॉन्टिन्यू आउटपुट भी कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा, तो एम्प्टी उस समय रिकवर नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो एम्प्टी उस समय रिकवर नहीं कर पाएंगे और लो पास फिल्टर का आउटपुट चेंज होगा और फाई की वैल्यू भी चेंज हो रही। तो वही बात है, हम लोग जो अभी मैंने समझाया कि हमें इस तरीके का एक एम्पलीफायर बनाना पड़ेगा जिसका गेन जो है वो फाई के साथ चेंज हो, और वो हमारे साथ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग अगर फाई की वैल्यू, अब लोकल ऑसिलेटर में जो फेज है डिफरेंस है, फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, जो लोकल ऑसिलेटर का जो आउटपुट है, जो कैरियर सिग्नल जो हम लोगों ने यूज करा होगा रिसीवर वो ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेट करते समय, उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो अगर कॉन्स्टेंट नहीं है तो हम लोग हमारा आउटपुट को हम रिकवर नहीं कर पाएंगे सिंक्रोनस डिटेक्टर में। ठीक है, क्योंकि ऐसा एम्पलीफायर हमें बनाना इम्पॉसिबल होगा जिसका गेन बराबर चेंज होता रहे। ठीक है, अगर कांस्टेंट है तो चलो हम बना सकते हैं। अब हमने कहा था कि 90 डिग्री वाला केस ना रखना। 90 डिग्री वाले केस में क्या हो जाता है, अगर फाई की वैल्यू कांस्टेंट है और लेकिन 90 डिग्री है, तो लो पास फिल्टर का आउटपुट जो होता है वो एसी स्क्वायर के एम टी कॉस 90 डिग्री हो जाता है, तो जीरो आता है, तो कुछ आउटपुट आता ही नहीं है ना। एम टी रिकवर करने की बात तो छोड़ो, आउटपुट में कुछ आएगा ही नहीं लो पास फिल्टर के आउटपुट में, तो लो पास फिल्टर के आउटपुट में कुछ आएगा ही नहीं, तो हम एम टी रिकवर क्या करेंगे ना, एम टी कुछ रिकवर ही नहीं कर पाएंगे। कोई एम्पलीफायर लगा लो, कुछ भी कर लो, वो हमें मिलेगा ही नहीं। तो और बाकी सब केसेस में एम टी तो था लेकिन कुछ कॉस 60 कॉस 30 वाले टर्म होते थे, तो उसके कॉस 60 कॉस 30 की वैल्यू कुछ वो जीरो तो होती नहीं थी, तो उस केस में क्या हो जाता था कि हम एम्पलीफायर बना सकते थे। ठीक है, उसी को रिवर्स करके उसके जितना भी उसके कोएफिशिएंट आ रहा है एम टी का, उसके उसके कोएफिशिएंट को रिवर्स करके वैसा एम्पलीफायर बना लो, तो आसानी से हो जाता था। लेकिन भाई कॉस 90 अगर हो गया तब तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है,
और फिर तब तो हमें कोई आउटपुट मिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके के जो केस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। ये क्वाड्रेचर नल इफेक्ट हमारा इसमें डबल साइड बैंड फुल कैरियर का में अगर फेस 90 डिग्री, अगर लोकल ऑसिलेटर में जो फेस है वो 90 डिग्री का कर दिया, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि क्वाड्रेचर नल इफेक्ट हो जाएगा। लोकल ऑसिलेटर और कैरियर सिग्नल के बीच में जो हम लोगों ने यूज करा होगा उनके बीच में फेस अगर 90 डिग्री है तो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट हो जाएगा, यानी आउटपुट पे कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने देखा कि एम्प्टी रिकवर हम लोग तब कर सकते हैं जब फाई की वैल्यू 0 हो, ठीक है, तब हम लोग रिकवर कर सकते हैं, तो परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन होता है, ठीक। और नेक्स्ट केस देखा जब फाई की वैल्यू कांस्टेंट हो तब भी रिकवर कर सकते हैं, जब है ना, लेकिन फाई की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए, बस कांस्टेंट हो लेकिन 90 डिग्री ना हो, ठीक है। 90 डिग्री अगर हो गई तो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट हो जाएगा। और अगर फाई, एक और केस होता है कि फाई की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, बराबर वेरी कर रहा है, तब भी हम लोग एमटी को रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एमटी को रिकवर करने के दो ही केसेस हैं, जब फाई की वैल्यू 0 हो यानी कि परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है, और नेक्स्ट केस है जब फाई की वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन हमारा फाई की वैल्यू 90 डिग्री नहीं है, तब हम लोग इसको कर सकते हैं। एक ये पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट ये है भाई कि आपका जो डबल साइड बैंड फुल कैरियर सिस्टम, ये जो हमने अभी बताया था सिंक्रोनस डिटेक्टर जो होता है वो हम लोग डबल साइड बैंड फुल कैरियर में भी यूज करते हैं, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में भी यूज करते हैं, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में भी यूज करते हैं। हम सब केसेस में अलग अलग सिंक्रोनस डिटेक्टर का एक लेक्चर में देखेंगे, लेकिन भाई अभी हम एक पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं कि जब जैसे डबल साइड बैंड फुल कैरियर और डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में अगर फेस जो होता है लोकल ऑसिलेटर और जो कैरियर का वो आपका 90 डिग्री है तो आउटपुट 0 यानी क्वाड्रेचर नल इफेक्ट होता है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। बस आप नोट कर लो, अभी आपको ये भी नहीं पता कि डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर क्या होता है, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर क्या होता है, बस आप ये नोट कर लो एक पॉइंट इसके नीचे कि डबल साइड बैंड फुल कैरियर और डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में अगर जब जो फेज फाई की वैल्यू जो फेज डिफरेंस है वो अगर 90 डिग्री है तो आउटपुट हमारा 0 होता है यानी कि क्वाड्रेचर नल इफेक्ट होता है, लेकिन सिंगल साइड बैंड में अगर फेस हमारा 90 डिग्री है तो आउटपुट तब भी वहां पे 0 नहीं होता है, तो वहां पे क्वाड्रेचर नल इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में हमारा क्वाड्रेचर नल इफेक्ट नहीं होता है, भले फाई की वैल्यू जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री हो, लेकिन तब भी हमारा क्वाड्रेचर नल इफेक्ट नहीं होता है। हम ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे, बस खाली अभी हम ऐसे ही नोट करा दे रहे हैं जिससे कि एक जगह नोट भी हो जाएगा, बाद में हम लोग डिटेल में जब इन सबको डिस्कस करेंगे इनके रिसीवर को तो वहां फिर ये इसको प्रूव भी कर देंगे कि हाँ उसमें क्वाड्रेचर नल इफेक्ट नहीं होता है, उसमें क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, इसमें तो हमने प्रूव कर दिया कि डबल साइड बैंड फुल कैरियर में क्वाड्रेचर नल इफेक्ट होता है, ठीक है, और डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में भी हम प्रूव कर देंगे कि इसमें क्वाड्रेचर नल इफेक्ट होता है, और जब सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर पढ़ाएंगे तो उस समय भी हम लोग दिखा देंगे कि उसमें क्वाड्रेचर नल इफेक्ट नहीं होता है। तो हर केस को हम लोग प्रूव कर देंगे, बस अभी यहाँ पे नोट करा दिया एक जगह पे, ठीक है। अब हमारा एएम लगभग खत्म हो गया है, कन्वेंशनल एएम, एएम मतलब खत्म हो गया है, मतलब एक डबल साइड बैंड फुल कैरियर सिस्टम खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर देखेंगे। तो अब हम लोग जो कन्वेंशनल एएम यानी कि जो डबल साइड बैंड फुल कैरियर वाला जो एएम है उसके एडवांटेजेस देख ले रहे हैं। इसका डिमोडुलेशन आसान होता है ना, सिंपल सिंपल आप स्विचिंग डिमोडुलेटर यूज कर लो, ये सिंक्रोनस डिटेक्टर यूज कर लो, या स्क्वायर लॉ डिमोडुलेटर यूज कर लो, है ना, और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ड्रॉबैक्स इसके ये है कि इसमें पावर बहुत वेस्ट हो जाती है, हमें कैरियर फालतू में भेजना पड़ता है ना, एसी कॉस्ट 2 पाई FCT में फालतू में भेजना पड़ रहा है उसके का, और इसकी इफिशेंसी जो होती है वो कम हो जाती है, और डिमांड फॉर हाई चैनल बैंडविड्थ भी इसकी काफी लग रही है, 2 टाइप्स ऑफ मैसर सिग्नल लगती है, और ये क्वाड्रेचर नल इफेक्ट से इफेक्ट होता है, और इसमें नॉइस का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। नॉइस का इफेक्ट क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादातर नॉइस हमारी एम्पलीट्यूड में ही ऐड होती है ना, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग एम्पलीट्यूड में ही हमारा मैसेज सिग्नल होता है, तो
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पूरा ले पूरा ही देख ले, अगर हम जितने भी टाइप के हैं सब में नॉइस का इफेक्ट ज्यादा ही होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में नॉइस का इफेक्ट कम होता है क्योंकि उसमें जो मैसेज सिग्नल होता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी में होता है ना। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो मैसेज सिग्नल होता है वो हमारा किस में होता है, वो हमारा आपके इसमें होता है, क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड में होता है। तो एम्पलीट्यूड जो होता है में जो मैसेज सिग्नल होता है तो उस कारण, और नॉइस भी हमारी एम्पलीट्यूड में ही ऐड होती है ज्यादातर, तो हमारी नॉइस, तो इसके कारण ये नॉइस का इफेक्ट इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो जितने भी है तरीके के उन सब में ही नॉइस का इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है ये एप्लीकेशन, इसमें ज्यादातर हम लोग इसको ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। पॉइंट टू मल्टी ब्रॉडकास्टिंग का मतलब पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन, जैसे कि एक ट्रांसमीटर है बहुत सारे रिसीवर है, इसमें ब्रॉडकास्टिंग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका रिसीवर बनाना काफी आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारा, एक क्वेश्चन दिया है इन्होंने, एक डबल साइड बैंड सिस्टम है और उसका कैरियर दिया है, मैसेज सिग्नल दिया है और उसकी बैंडविड्थ पूछी है। हमें पता है कि मैसेज सिग्नल जो भी हो उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की डबल होती है हमारी डबल साइड बैंड सिस्टम में जो बैंडविड्थ होती है। ठीक है, तो डबल साइड बैंड सिस्टम में जो अभी आप डबल साइड बैंड फुल कैरियर सिस्टम देखा है, लेकिन आप हम बता रहे हैं पूरा डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर हो या डबल साइड बैंड फुल कैरियर हो, तो इसमें इन दोनों में ही बैंडविड्थ जो होगी वो हमारी क्या होती है, मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का डबल होती है। ठीक है, तो मैसेज, अब हमें क्या इनकी बैंडविड्थ पूछी है और हमें मैसेज सिग्नल दिया है सिंक टी प्लस सिंक स्क्वायर टी, ये हमें मैसेज सिग्नल दिया है। अगर हम इसकी बैंडविड्थ निकाल लें इस मैसेज सिग्नल की और उसका डबल कर दें तो हमें इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग वही करने जा रहे हैं कि इसकी बैंडविड्थ निकालते हैं। तो सिंक टी का देखो, जो सिंक टी है ना, इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो कैसा बनेगा, एक रेक्टेंगुलर बनेगा, है ना, रेक्टेंगुलर बनेगा। तो इस और उसकी बैंडविड्थ क्या हो, वो कहां से कहां के बीच में होगा, माइनस वन बाई टू से वन बाई टू के बीच में। तो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है आपकी एफ वन, एफ मैक्स वन इक्वल टू है वन बाई टू। ठीक है, फिर आपका दूसरा सिग्नल है सिंक स्क्वायर टी, है ना, सिंक स्क्वायर टी। अगर देखो ये सिंक टी है, तो ये सिंक टी का अगर ये है तो सिंक स्क्वायर टी का ट्रायंगुलर होगा क्योंकि इसी, अब जैसे ये सिंक टी है तो ये सिंक स्क्वायर टी मतलब कि इस सिंक टी का ही मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सिंक टी से। तो इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, इनका इनके इनके लिए उसका कन्वोल्यूशन हो जाएगा, कन्वोल्यूशन होगा तो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी पता ही है कि इसका इसी के साथ कन्वोल्यूशन करेंगे तो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी वन आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी मैक्स, और ये ट्रायंगुलर सिग्नल होगा तो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी वन आ गई, एफ टू मैक्स की वैल्यू वन आ गई। तो कुल मिला के जब हम इसको ऐड करेंगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी वन ही रहेगी, या आप ऐसा कह सकते हो कि अलग अलग किस पे कंपोनेंट है, तो इस वाले कंपोनेंट की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इस वाले कंपोनेंट की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वन बाय टू है, इस वाले कंपोनेंट की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वन है, तो इस वाले कंपोनेंट की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो बैंडविड्थ जो होगी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी पूरे सिग्नल की, है ना, उसका डबल होगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूरे कब सिग्नल की कितनी होगी, जब इन इस सबको ऐड करेंगे, तो जैसे इसको और इसको ऐड करा तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। इस तरीके से इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इस तरीके का कुछ सिग्नल बनेगा, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इस तरीके का सिग्नल बनेगा, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी वन आ जाएगी। तो जब हम इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी, तो किस तरीके का ये देखो, ये हमारा मैसेज सिग्नल था, तो ये अगर हमारा मैसेज सिग्नल था तो हम जब इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करेंगे तो ये इधर से शिफ्ट हो जाएगा, एम एफ माइनस एफ सी प्लस एम एफ प्लस एफ सी अपॉन टू कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गई वन। वो कितनी होती है, उस कंपोनेंट की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है जो जिस कंपोनेंट, जैसे इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे कि एक हम इस यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि एम टी मल्टी टोन ए एम में हम लोग देखा नहीं था, एम वन टी मल्टी एम टू
टी इस तरीके के बहुत सारे हैं, है ना। तो मान लिया कि M3T जो था इसमें, यहाँ पे M3T भी था, है ना, प्लस डैश 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 मतलब M4, तो MT3T की जो फ्रीक्वेंसी थी वो मैक्सिमम थी, FM3 जो है वो सबसे ज्यादा, FM3 सबसे ज्यादा थी। तो बैंडविथ हमारी कितनी होगी, 2 FM3 होगी, ठीक है। जब इन सबको ऐड करेंगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी FM3 ही होगी, ठीक है। जो एम्प्टी सिग्नल, वैसे ही हम लोगों ने यहां भी देखा कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो थी 1/2, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 थी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन दोनों में, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1/2 थी, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 थी, तो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। तो जब हमने जब इनको ऐड करा तो इसकी, तो जो ऐड करके जो सिग्नल आया उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 ही है, मतलब कि जो इस सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी वही उसी के बराबर है। तो सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस सिग्नल की, अगर बहुत सारे मल्टी टोन AM टाइप का सिग्नल है, तो उसमें जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारी MT की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। तो आप, हम लोग इस सिंपली ये कह सकते हैं कि बैंडविड्थ जो होगी MT की मैक्सिमम 2 टाइम्स होती है MT की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की, तो बैंडविड्थ 2 FM3 इसमें हो जाएगी, कि M3T की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी इस सब में, ठीक है। चलो ये बात हो गई, तो अब बैंडविड्थ इसकी कितनी हो जाएगी, 2 × 1 हर्ट्ज यानी कि 2 हर्ट्ज हो जाएगी। एक दूसरा तरीका ये है कि अब हम इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे एक कैरियर का भी इम्पल्स होता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, कैरियर का इम्पल्स भी होगा यहाँ पे, और मैसेज सिग्नल हमारा इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है। तो तब भी हम देखेंगे तो इसकी बैंडविड्थ जो होगी वो माइन, यहाँ से FC-1 से FC+1 के बीच में होगी, तो बैंडविथ हमारी तब भी हमारी 2 हर्ट्ज ही आएगी, ठीक है। बैंडविथ हमारी 2 हर्ट्ज ही आ रही है इस केस में भी, ठीक। चलो ये सब बातें हो गई, तो कुल मिला के बात समझ में आ गई होगी कि जो कंपोनेंट होगा उसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी, उसी का डबल कर दो बैंडविथ निकल आएगी, ठीक। नेक्स्ट केस ये था है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 1+2 cos 200 πt cos 2000 πt। तो ये एक तरीके का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है। इसमें इन वहां पे क्वेश्चन में ये नहीं बताएंगे भाई कि ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको आप इससे कंपेयर करो, AC 1+ KA MD, हमको वो सीधे एक्सप्रेशन दे देते हैं, वो हमें ये नहीं बताते कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है या डबल साइड बेंड फुल कैरियर है कि सिंगल साइड बेंड कैरियर की इक्वेशन है, ये वो सब ये नहीं बताते। हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखनी चाहिए तभी हम लोग कर पाएंगे क्वेश्चन वहां पे, ठीक है। तो हमें पता है डबल साइड बेंड फुल कैरियर सिग्नल की इस तरीके से होती है, ठीक है। या फिर इसको सिंगल टोन वाले में के लिए हम लोग देखें तो उसमें हमारी ये होती है AC 1+μ cos 2π FMT cos 2π FCT, ठीक है। ये हमारी होती है हमारे सिंगल टोन में, सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन। तो ये एक तो स्टैंडर्ड AM की इक्वेशन और एक सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन, ये दोनों हमें याद रखनी चाहिए। तो अब हम इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो इस इक्वेशन से। कंपेयर करा तो हमें पता चला कि यहाँ पे म्यू की वैल्यू 2 है, इस क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू 2 आ रही है। तो जब आपका देखो स्क्वायर लॉ डिमोडुलेटर में क्या हो जाता था, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हो जाता था, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या चाहते हैं कि KA MT की वैल्यू हमारी, हम लोग चाहते हैं कि 2 से छोटी हो, या हम ऐसा कर सकते हैं कि के देखो MT की अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर AM है, ठीक है, MT अगर मान लो साइनोसॉइडल है, MT अगर साइनोसॉइडल है, मान लो ये है चलो कॉस में रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं, cos ωMT, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू AM है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि KA AM की वैल्यू भी 2 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर KA AM की वैल्यू, या आप ऐसे कर लो कि म्यू की वैल्यू 2 से छोटी हो, या म्यू की वैल्यू जो है वो 1 से जब बहुत छोटी होती है तब हम लोग ज्यादातर, ये तो 2 से छोटी हो दो ये बात हो गई, लेकिन अगर हम कहें कि म्यू की वैल्यू अगर 1 से बहुत छोटी हो तो हमारा हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बिल्कुल कम हो जाएगा, तो
हम लोग स्क्वायर लॉ डिमोडुलेटर में हम वही केस को प्रेफर करते हैं जिसमें म्यू की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होती, तभी हम लोग स्क्वायर लॉ डिमोडुलेटर का यूज करते हैं डिमोडुलेटर, ताकि हमारा हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कम से कम हो। तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कम से कम होने के लिए हम लोग क्या, जब हमारा म्यू की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होती है तभी हम लोग स्क्वायर लॉ डिमोडुलेटर, ये तो म्यू की वैल्यू 2 से छोटी ऐसे आ गया कि मतलब कि थोड़ा कम होगा हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, ये होना चाहिए कि हमारा, लेकिन इसका ये नहीं कि हार्मोन डिस्टॉर्शन होगा नहीं, है ना इसमें। और अगर हम म्यू की वैल्यू 1 से अगर बहुत छोटी ले ले तो हम लोग कहेंगे कि बिल्कुल निग्लिजिबल हार्मोन डिस्टॉर्शन है, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू अगर हमारी 1 से बहुत छोटी होती है तभी हम लोग स्क्वायर लॉ डिमोडुलेटर का यूज करते हैं, किसको, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट केस ये क्या था कि अगर म्यू की वैल्यू 1 से अगर ज्यादा है तो हमारा इनवेलप डिटेक्टर उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है, उसका मॉड ले लेता है ना, तो इनवेलप का मॉड ले लेता है। तो इनवेलप का मॉड ले लेता है, तो जब म्यू की वैल्यू 1 से छोटी है या बराबर है तो हम लोग इसको प्रिफर करते हैं, इनवेलप डिटेक्टर को हम लोग प्रिफर करते हैं कि इनवेलप डिटेक्टर को हम लोग यूज करेंगे। और अगर म्यू की वैल्यू 1 से छोट बड़ी है तो सबसे बेस्ट यही है कि आप सिंक्रोनस डिटेक्टर को ही यूज करो। तो इस केस में जब म्यू की वैल्यू 2 है तो हम लोग को सिंक्रोनस डिटेक्टर के साथ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर स्क्वायर लॉ डिमोडुलेटर यूज करेंगे तो उसमें हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और अगर इनवेलप डिटेक्टर हम लोगों ने यूज करा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका वो इनवेलप का मॉड ले लेगा वो, है ना, एक्चुअल मैसेज सिग्नल हमारा एक्चुअल मैसेज सिग्नल जो हमारे इनवेलप में था वो हम लोग नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो हम लोग को इसमें किससे जाना चाहिए, सिंक्रोनस डिटेक्टर के साथ जाना चाहिए। सिंक्रोनस डिटेक्टर में म्यू से मतलब नहीं होता ज्यादा, है ना, वो बस खाली सिंक्रोनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि आप किस लोकल ऑसिलेटर पे जो है वो कैसे आप सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हो, फेज सिंक्रोनाइजेशन हो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, उसमें म्यू पर ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। तो म्यू की वैल्यू कुछ भी हो उससे मतलब नहीं होता है उसमें ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी आप रहने दो, डबल साइडवेड सप्रेस्ड कैरियर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, ये गलती से यहाँ पे आ गया है ना, अभी हम आप लोगों ने डबल साइडवेड सप्रेस्ड कैरियर नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट है, इन्होंने बताया है कि ये सिग्नल को हम लोगों ने भेजा, ये हमारा पता है डबल साइड बैंड फुल कैरियर सिग्नल की इक्वेशन है, ठीक है, और इसको हम लोगों ने भेजा इनवेलप डिटेक्टर पे, है ना, ये इनवेलप की स्पेलिंग गलत है, ई एन यहाँ पे चाहिए, इनवेलप डिटेक्टर की इसको भेजा है, और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ के एम टी की का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो 1 से बड़ा है, और म्यू इज इक्वल टू होता क्या है के ए एम टी मैक्स ही तो होता है, एम टी की मैक्सिमम वैल्यू यही तो होता है म्यू की मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और इन्होंने ये बताया है कि ये जो है ये के ए एम टी ये जो है 1 से बड़ा है, यानी कि म्यू जो है वो भी 1 से बड़ा है, ठीक है, सीधे सीधे तरीके से नहीं बता रहा है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारा 1 से बड़ा, उन्होंने बोला के ए एम टी की जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो 1 से बड़ा है, और म्यू की म्यू होता ही है के एम टी की मैक्सिमम वैल्यू, है ना, म्यू इक्वल टू साइनसोइडल सिग्नल में हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू इक्वल टू के एम, और वैसे क्या लिखते हैं, म्यू इक्वल टू के एम टी की मैक्सिमम वैल्यू ये लिखते हैं, ठीक है। तो म्यू जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वो होता ही यही है, और इन्होंने सीधे नहीं बताया कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से बड़ा है, इन्होंने इनडायरेक्टली बताया कि के एम की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है के एम टी की वो 1 से बड़ी है, तो इसमें एक कौन सा आउटपुट होगा। अब देखो जब म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होती तो इसका इनवेलप का मॉड हो जाता है आउटपुट में, इनवेलप डिटेक्टर से जब पास करते हैं तो ए सी 1 प्लस के एम टी का मॉड हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये तो समझ गए होगे आप सब लोग। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डबल साइड बेंड सप्रेस्ड कैरियर, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय जय भारत। और अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली हेल्प कर सको कि इसमें भाई, तो आप प्लीज करिए हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाइएगा, थोड़ा बहुत आप जितना भी कंट्रीब्यूट कर सको थोड़ा बहुत हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें, जिससे कि हम ये काम पूरा कर सके कि सारे
भी और भी ट्यूटर को हायर करके पूरा फ्री में कर रहे हैं, सारे सारे जितने भी कोर्स हैं, जितने आपके उसमें जरूरत पड़ते हैं, तो सबको सबको आप फ्री में कर 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 सके। तो www.apreceptorson.com पे जाके उसमें सपोर्ट नाम का पेज है, उस पे आप जाके जिस तरीके से भी आप फाइनेंशियली हेल्प कर सको तो करो। और अभी इस केवल एक ब्रांच से शुरुआत करके सभी ब्रांचों में फ्री की को फ्री कोचिंग हो, ये हमारा एम है। तो अगर आप फाइनेंशियली हेल्प कर पाओ तो बेटर है, और अगर नहीं तो आप कम से कम प्लीज हमारे इस चैनल को ए प्रिसेप्टर सोन आप प्रिसेप्टर स्वान हिंदी, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इसके वीडियोस को प्लीज शेयर करें, और अगर मुझसे पढ़ाने में कुछ गलती हो जाए तो प्लीज आप बता दीजिएगा मुझे, तो मैं उसको सुधार दूँ, सुधार के उस वीडियो को दोबारा अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, है ना। तो आप अगर मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो अगर कुछ गलती हो जाए मतलब कि, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। अगर मतलब छोटी मोटी गलती होगी तो भाई कुछ कमेंट अमेंट लिख के, या उसमें उसको पिन करके, या सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिख के, कुछ छोटी मोटी होगी प्रॉब्लम तो उसको सही कर देंगे। अगर बहुत बड़ी गलती हो गई है तो फिर हम उसको वीडियो बदल देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। फिर से जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। शारदा दुख हरणि जगत जननी माता माता सरस्वती शारदा सरस्वती शारदा।